नमस्कार, बिस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका, अरे मैं हाँ, फिर से मैं। अच्छा, मैं क्या होता है वरुण जी? हम हैं आपके जी हाँ, अब ये मैं नहीं है, अब हम हैं। हम दोनों हम हैं आपके दोस्त और वरुण अवस्थी जी। हाँ, मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो है स्पेस के ऊपर, और स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। तो हमें लगा टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है तो प्रेजेंटेशन भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जी हाँ, तो पहले तो ये मैंने वरुण को यहाँ से भगा दिया है, दूसरे वाले को, वरुण जूनियर को, ताकि मैं आपको ग्राफिक्स यहाँ पर दिखा सकूँ। तो आज की हमारी न्यूज़ है स्पेस को लेकर। इंडिया स्पेस वॉर में कूद चुका है, अंतरिक्ष सेना इंडिया भी बनाना चाह रहा है, और इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि आगे चल के सारे वॉर या तो स्पेस में होंगे या स्पेस के लिए होने वाले हैं। और अगर स्पेस के लिए नहीं भी होंगे तो स्पेस से आपको जो लुक मिलता है नीचे का, वो बहुत अच्छा मिलता है। स्पेस प्रोस्पेक्टिव, एरियल व्यू बहुत बढ़िया होता है। इसका पता तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही चल गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुई थी, तब यूएसए और यूएसएसआर को ये पता लग गया था कि जो आसमान पे कब्जा करेगा वो ही लड़ाई जीतेगा भी। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद रूस ने स्पुतनिक को लॉन्च किया, जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। ये काफ़ी कामयाब मिशन रहा। इसके बाद रूस ने 12 अप्रैल 1961 में येरी गैगरीन को स्पेस में भेजा। स्पेस में नहीं बोलेंगे, पर ये बोलेंगे लो ऑर्बिटल राउंड ट्रिप ऑफ अर्थ के लिए भेजा, जो एक कामयाब ट्रिप भी रही। अब जब स्पेस में इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं तो हम पे हमला करना भी उनके द्वारा आसान हो जाता है। इसलिए हमें एक वेपन चाहिए जो उन सैटेलाइट्स को हिट कर सके। इंडिया ने उसको डेवलप कर लिया है, कुछ दिनों पहले उसका परीक्षण भी किया गया था। ASAT इंडिया ने बना लिया है। साथ ही इंडिया ने को ऑर्बिटल किलर्स और DEW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी जनरेट कर लिया है। इसीलिए काफ़ी देश इंडिया से घबरा गए हैं, क्योंकि इंडिया अलीट क्लब में आ गया है चाइना, अमेरिका और रशिया के। इसीलिए काफ़ी देश इंडिया से परेशान है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हर आइटम को चीपली बना देता है और वेरी एफिशिएंटली उनका इस्तेमाल भी करता है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत पिछले महीने एंटी सैटेलाइट यानी कि ASAT मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब अंतरिक्ष में दुश्मन के इरादों को चकनाचूर करने की क्षमता विकसित करने के कई अन्य विकल्पों पर तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया, हम DEW, लेजर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और को ऑर्बिटल वेपन समेत कई तकनीक पर काम कर रहे हैं। मैं इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 27 मार्च को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में 283 किलोमीटर की दूरी से माइक्रोसैट R सैटेलाइट को मार गिराने वाला ASAT मिसाइल दिशा निर्देशित गतिमान मारक हथियार डायरेक्ट सेंट काइनेटिक किल वेपन था। DRDO चीफ ने कहा कि अंतरिक्ष में 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकने वाले त्रिस्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइल की एक साथ कई लॉन्चिंग से कई उपग्रहों को भेजा जा सकता है। को ऑर्बिटल वेपन मूल रूप से एक उपग्रह होता है जिसमें कुछ विस्फोटक हथियार या DEW डिवाइस लगे होते हैं। सूत्रों की माने तो भारत प्रतिस्पर्धा में कड़ी टक्कर देने के साथ दोनों LEO और GEO सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में मौजूद उपग्रहों के खिलाफ ASAT वेपन्स विकसित करने के दूरगामी लक्ष्य पर काम कर रहा है, ताकि अंतरिक्ष में अपनी बढ़ती सामरिक संपदा पर उभरते खतरों से निपटा जा सके। मिशन शक्ति के सफल प्रदर्शन के बाद भारत ASAT क्षमता वाले तीन देश यानी कि अमेरिका, चीन और रूस के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। तो इंडिया खूब डेवलप करे और आगे बढ़े, बने रहिए हमारे साथ।